अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। नेम से ही शोर है कि स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में जो जॉइंट बन रही है वी कॉल इट स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। आर्टिकुलेशन की बात करेंगे, ये पॉइंट्स है कुछ, हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आर्टिकुलेशन की बात करेंगे, किसके दरमियान ये आर्टिकुलेशन हो रही है, स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल का एक एंड होता है, क्लेविकल बोन होता है जो इसका एक एंड होगा, उसे स्टर्नल एंड कहेंगे जो कि स्टर्नम बोन के करीब होगा। सो वी कॉल इट स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड द मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, जो कि स्टर्नम बोन है उसमें एक पार्ट होगा मैन्यूब्रियम स्टर्नाई। इन दोनों के दरमियान में आर्टिकुलेशन होगी और हमारे पास फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होगी। इन तीनों के दरमियान हमारे पास क्या होगी, ये आर्टिकुलेशन होगी, तब हमारे पास ये जॉइंट बनेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे रिब्स होते हैं ना, उनको जो है स्टर्नम के साथ कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जो उनको कनेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट, हर रिब के पास अपनी अलग कार्टिलेज होगी। सो फर्स्ट रिब के पास फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होगी, इसीलिए हम इसे फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज करें। तो ये तीनों जो है आपस में मिलके जो है आर्टिकुलेट करके हमारे पास ये जॉइंट बनाते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें टाइप की, तो ये टाइप कौन से, साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट होती है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट की भी फिर फर्दर टाइप्स है। तो साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट है, इसकी टाइप है, ये आपको याद रखनी है, वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं। सो कैप्सूल की बात करेंगे, जो सराउंड करते हैं जॉइंट्स को, उन्हें हम कैप्सूल कहते हैं। अटैच होता है कैप्सूल कहाँ पे, जो मार्जिनस होते हैं ना आर्टिकुलर सरफेस के, जो आर्टिकुलेशन होती है जहाँ पे इसके मार्जिनस पे जो है ये कैप्सूल सराउंड कर रही होती है, अटैच होती है। लिगामेंट्स कुछ पार्ट लेते हैं, लिगामेंट्स में कौन कौन सा है, स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। और आर्टिकुलर डिस्क क्या होती है, फ्लैट फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है, जो कि लाई करती है जॉइंट के अंदर, लाई करेगी तभी तो आर्टिकुलेशन होगी, और डिवाइड करेगी जॉइंट्स के इंटीरियर को दो कंपार्टमेंट्स में। और हमारे पास एक एसेसरी लिगामेंट भी है, जिसे हम कहेंगे, नाम से ही शो है, क्लेविक्यूलर लिगामेंट। क्लेविकल के ऊपर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्लेविकल ये नाम है, आप देख सकते हैं क्लेविक्यूलर लिगामेंट। और हम एक मेम्ब्रेन हमारे पास, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि लाइन करती है किसको, हमारे कैप्सूल को, लाइन्स द कैप्सूल अटैच थ्रू द मार्जिन ऑफ द कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होगी उसके मार्जिन पे ये अटैच होगी। वो जो है कैप्सूल किसके मार्जिन पे अटैच थी, आर्टिकुलर सरफेस के, और ये कार्टिलेज के मार्जिन पे, पहले तो लाइन करेगी कैप्सूल को लेके, फिर मार्जिन ऑफ कार्टिलेज पे अटैच होगी। नर्व सप्लाई देखें तो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व इसको, इस जॉइंट को सप्लाई करेगी, और उसके बाद जो है हमारे पास एक और नर्व होगी, नर्व टू द सब क्लेवियस मसल। ये दोनों नर्व हैं जो कि हमारे क्लेवी इस जॉइंट को सप्लाई करेंगी। अगर मसल्स की मूवमेंट देखें, जो मसल्स मूवमेंट कास्ट करें वो कौन कौन से हैं, जो क्लेविकल को फॉरवर्ड लेके आएगा ना आगे की तरफ, वो कौन सा, वो मतलब कौन सा मसल है, सीरेटस एंटीरियर मसल। और जो बैकवर्ड की तरफ लेके जाएगा वो हमारे पास ट्रैपीजियस एंड रोम्बोइड मसल्स हैं। और जो एलिवेट करेगा ऊपर की तरफ वो कौन से मसल हैं, ट्रैपीजियस मसल है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल है, एलिवेटर स्कैपुला है, और हमारे पास रोम्बोइड मसल्स। ये सारे मसल्स एलिवेशन का काम करते हैं, डिप्रेशन का काम क्या कौन कर रहा है, क्लेविकल को डिप्रेस कौन कर रहा है, पेक्टोरलिस माइनर मसल, और हमारे पास सब क्लेवियस मसल है, ये डिप्रेशन का काम करे। अब देखेंगे कि एंटीरियरली कौन कौन सी चीज़ें हमारे इस जॉइंट से गुजर रही हैं या पड़ी हैं। सबसे पहले स्किन होता है, फिर फाइबर्स होते हैं, सम फाइबर्स ऑफ स्टर्नो क्लेडोमास्टॉइड मसल के कुछ फाइबर्स होते हैं क्लेविकल के ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर मीन्स, और पेक्टोरलिस मेजर मसल भी एंटीरियरली पड़ा होता है इसके जॉइंट के। और पोस्टीरियरली देखें तो स्टर्नोहायड मसल एंड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये जो है जॉइंट के फ्रंट पे पड़े होते हैं, और स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हमारे जॉइंट के पीछे पड़ी होती है। सो ये हमारे पास था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जॉइंट बन रहा है, क्लेविकल है, मैन्यूब्रियम स्टर्नाई है, फर्स्ट कोस्टल कार्ट ले जाइए। सो ये हमारे पास कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ये ब्लैक ये कैप्सूल शो किए गए हैं, साथ में इंटीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट भी शो किया गया है। आर्टिकुलर डिस्क है, जॉइंट कैविटी है, उसके अंदर ये अटैचमेंट हो रही है, आर्टिकुलर डिस्क जो है
ये क्या करता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होता है। इंटीरियर कंपार्टमेंट को दो में डिवाइड करते हैं, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं इंटीरियर साइड पे। सो हमारे पास ये इस तरह होता है, ये क्लेविकल है, ये हमारा स्टर्नम है, ये उसका मैनिब्रम पार्ट है। सो ये मैनिब्रम पार्ट ये वाला जो है ऊपर हिस्से पे क्लेविकल अटैच हो रहा है, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज भी इसके साथ साथ है। और हमारे पास सेकंड जॉइंट है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, देखने में देखो कितना छोटा लग रहा है। सो आर्टिकुलेशन किसके दरमियान होगी इसमें, बिटवीन द एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला। हमारे पास हमारे जो वो स्कैपुला बोन होता है वहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके दरमियान और लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। जो मीडियल एंड होता है ना उसे स्टर्नल एंड कहते हैं, वो स्टर्नम के साथ मैनिब्रा स्टर्ना के साथ आर्टिकुलेशन करता है। और जो ये हमारे पास होगा क्लेविकल का जो लेटरल एंड होगा वो किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, वो स्कैपुला जो बोन है उसके साथ, उसके भी एक्रोमियन प्रोसेस होता है। बोन पड़ा होगा या पड़ेंगे, सो वहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ये जो है लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल उस पर आर्टिकुलेट करता है। तो इस बेसिस पे एक्रोमियो क्लेविकुलर नेम दिया गया है। और टाइप कौन सी है, साइनोवियल प्लेन जॉइंट, वो कौन सी थी, डबल प्लेन, ये साइनोवियल प्लेन जॉइंट है। कैप्सूल सराउंड करेगी जॉइंट को, हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट्स होंगे। एसेसरी लिगामेंट में हमारे पास एक लिगामेंट है क्रोको क्लेविकुलर लिगामेंट। मेम्ब्रेन है, लाइन करेगी साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन करेगी जॉइंट कैप्सूल को। और नर्व सप्लाई यहाँ पे क्या है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, स्कैपुला पे ही नेम शो कर रहा है कि सुप्रा स्कैपुलर नर्व है। मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट टेक प्लेस, ठीक है, व्हेन स्कैपुलर रोटेट और द क्लेविकल इज एलिवेटेड और डिप्रेस्ड। जब स्कैपुलर रोटेट करेगा या क्लेविकल एलिवेट करेगा या डिप्रेस, हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट शो होगी। अब रिलेशन देखें एंटीरियरली, इसके कौन कौन सी चीज़ें, एक मसल है डेल्टोइड मसल इस जॉइंट के फ्रंट पे पड़ी होगी, और पोस्टीरियरली हमारे पास देखें तो ट्रेपेजियस मसल होगी, वो इसके बैक साइड पे प्रेजेंट होगी, सुपीरियरली स्किन प्रेजेंट होगी। सो ये हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लेविकल है, लेटरल एंड है, ये आर्टिकुलेट करी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ। ये जो फाइबर्स देख रहे हैं आप, दीज आर क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट, दीज आर दिस इज द क्रैको एक्रोमियल लिगामेंट। और यहाँ पे जो है ये मूवमेंट्स दिखाए गए हैं, सीरेटस एंटीरियर मूवमेंट शो कर रहा है, ये ट्रेपेजियस वगैरह, लिवेटर रोम्बाइड वगैरह, स्कैपुला वगैरह, लिवेटर स्कैपुला एंड रोम्बाइड, ये सारे ये जो ये मूवमेंट्स हैं शो किए गए हैं। पेक्टोरिस माइनर है, सो मैंने बताया था ना सीरेटस एंटीरियर फॉरवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, ये है एक ट्रेपेजियस है, स्टर्नो है, लेवेटर है, रोम्बॉइड है, लेवेटर स्कैपुला है, रोम्बॉइड मसल्स, ये सारे मसल्स आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इसको एलिवेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये पेक्टोरिस माइनर एंड सब क्लेविस है, ये डिप्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, मीन्स डिप्रेशन कर रहा है क्लेविकल की, और ये एलिवेशन कर रहे हैं, ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है, ये एलिवेट कर रहे हैं मसल और ये डिप्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास सीरेटस एंटीरियर है जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट करवाएगा, बैकवर्ड मूवमेंट हमारे पास ये ट्रेपेजियस वगैरह, रोम्बॉइड, ये सारे बैकवर्ड मूवमेंट करवाएंगे। सो ये हमारे पास जॉइंट थे, आई होप आपको समझ आए और ना समझ आए, अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।